हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ ग्वार की फली। बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। और कुछ लोग तो इसको इसलिए ही नहीं बनाते कि वही ये काटने में बहुत मुश्किल होती है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप फली को काट करके तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप फली को ले लीजिए। एक साथ एक बार में आप 10 से 12, 15, 20 फली एक साथ काट सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर किनारे जो उसकी हमें करने हैं, इस तरह से हमने सारी साथ में ले ली। अब एक बार में मैंने 12-13 मैंने जो फली ली है, और इजीली हम इसको ऊपर की तरफ से पहले काट देंगे। ये देखिए, और इसी तरह से हम दूसरी साइड से इसको काट देंगे, और एक कट हम इसमें बीच में से लगा देंगे। और चाहे तो आप ऐसी लंबाई में भी बना सकते हैं। इसी तरह सारी फली आप फटाफट काट के तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको काटने के बाद हम धो लेते हैं। और अब मैं ये बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई। अच्छा, लोहे की कढ़ाई यानी कि बहुत आयरन होता है अगर इसमें हम बनाते हैं कोई भी चीज़। तो उसमें सरसों के तेल में मैं इसे छौंकने वाली हूँ। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देती हूँ मैं कूट करके हींग। भाई, मैं बिना प्याज लहसुन के बनाना सिखा रही हूँ, तो हींग और ये अजवाइन मैंने इसमें डाली है, साथ ही कुछ हरी मिर्चें। इसे हल्का सा भून लेते हैं, जलाना नहीं है। और अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में फलियां। देखिए कितना इजी है बनाना। ऊपर से हम डालने वाले हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक एक चम्मच, और इसे हम मिक्स कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको ढक कर के बनाएंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इजीली आपके जाएंगे बनाने में। और आप चाहे तो एक उबाल दे करके बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए बन करके तैयार है हमारी फलियां। टाइम ज़रूर लगता है कढ़ाई में बनाने में, लेकिन जो उबाल के स्वाद होता है और जो इस तरह से बनाने में स्वाद होता है, बहुत डिफरेंस होता है। आप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा देसी स्टाइल में। और ऊपर से हम थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए नींबू निचोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है ग्वार की फली बनाना, और काटना तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो कई लोग तो इसीलिए नहीं बनाते कि काटनी पड़ेंगी फलियाँ, तो टाइम बहुत लगेगा। लेकिन ये ईजीली आप काट सकते हैं जैसे मैंने बताया। और आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाइए। और इसको मक्की की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, परांठे हो, या गेहूं की रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो आप इसे बनाइए, खाइए। और आपको कैसा लगा ये खा करके, ये बना करके, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।